अब लगेगी शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर लगाम। इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के छात्र गिरीश ने बनाया ड्रिंक एंड ड्राइविंग पहचान उपकरण। देखें सीके न्यूज़ की ये रिपोर्ट। राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर ECB के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत छात्र गिरीश कुमार जाट ने एक नवाचार करते हुए ड्रिंक एंड ड्राइविंग करने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो शराब की मौजूदगी होने पर परिवार के किसी सदस्य या पुलिस कंट्रोल रूम या फिर किसी भी अधिकृत नंबर पर संदेश या कॉल कर सकता है। गिरीश के इस प्रोजेक्ट के निरीक्षक एवं विद्युत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास शर्मा ने बताया कि इससे शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों पर लगाम कसी जा सकती है और इससे होने वाले हादसों से भी बचा जा सकता है। छात्र गिरीश कुमार जाट ने बताया कि इस उपकरण के माध्यम से जब भी कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी में बैठेगा तो कुछ ही सेकंड में इस डिवाइस में लगा सेंसर एक्टिव हो जाएगा। अल्कोहल की मात्रा निर्धारित दायरे से बाहर जाने पर यह उपकरण स्वचालित रूप से संदेश या कॉल के जरिए अधिकृत व्यक्ति या समुदाय को सचेत कर देगा। संदेश भेजने के लिए इसमें एक 2G GSM मॉड्यूल लगा है जो कहीं भी रहते हुए अन्य व्यक्तियों को अलर्ट कर सकता है। साथ ही इसमें एक LCD स्क्रीन भी लगा है जो अल्कोहल की मात्रा बताएगा। इस उपकरण को गाड़ियों के अलावा फैक्ट्री, घर या किसी भी जगह लगाया जा सकता है क्योंकि ये शराब के साथ साथ धुएं का भी पता लगा सकता है जो कि आग लगने का अलर्ट आपको भेज सकता है। यह उपकरण हानिकारक गैस जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता लगा सकता है। यह विशेषताएं इसे अन्य उपकरणों से अलग बनाती है। छोटीकाशी.com के लिए राजीव जोशी, CK न्यूज। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।